ये भीड़ अपने से आई है, ये भाजपा की तरह खरीद के भीड़ नहीं आती। हमारे कार्यकर्ता इतने आए हुए हैं कि रोड तक जाम हो गई है, चारों तरफ रोड जाम हो गई। कई लोग कह रहे पूरा इलाहाबाद जाम हो गया। प्रशासन की तरफ से हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में रोका गया है, कई बसें अभी हमारी यहाँ तक पहुँची नहीं है, ये प्रशासन की साजिश किया है। भीड़ ये अपनी इच्छा से आई है, मोदी जी के जैसे पैसा देकर नहीं बुलाई गई। पैसों वाली भीड़ नहीं है, नहीं, ये सब अपनी इच्छा से आई है। जा 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 भीड़, ये बहुजन समाज की भीड़ है। जब इतनी भीड़ तो ग्राउंड बड़ा करते ना, ये ग्राउंड छोटा पड़ गया, छोटा पड़ गया, ग्राउंड छोटा बड़ा लिया गया था, पर माघ मेला की वजह से परमिशन मिला नहीं है। परेड पे दिखाया जाता जनसंख्या क्या होती है, जीतने वाली हैं बहन जी। ये सारे कार्यकर्ता आठ ही क्यों कह रहे हैं, क्या वजह है आठ को, आठ की बारह क्यों नहीं कह रहे? बारह इसलिए नहीं कह रहे हैं कि मीडिया तो कह रही है कि हम प्रदेश में 10 सीट 20 सीट पाएंगे, जो कि हम 150 के ऊपर जा रहे हैं। इतिहास रचने वाली है मायावती, बिना मायावती के किसी की सरकार नहीं बनने वाली है। जिसकी भी सरकार बनेगी बहन जी के समर्थन से बनेगी। उत्तर प्रदेश में सरकार में बहन जी रहेंगी। 10 तारीख को चौंकाने वाला नतीजा है निश्चित तौर पे, मीडिया चाहे जो भी बोले, ये चौंकाने वाला नतीजा आने वाला है और बहन जी सरकार में रहेंगी। ये भीड़ कौन लाया है? ये भीड़ अपने से आई है, ये भाजपा की तरह खरीद के भीड़ नहीं आती, ये तो अपने मन जन समर्थन से आती है। पार्टी है ये, मान्यवर की बनाई हुई पार्टी है, लोग मान्यवर के नाम पर जाते हैं, कोई किसी को बुलाने नहीं जाता है। बहन जी को चुनने आए, बहन जी को चुनने आए हैं। वैसे सर क्या मुद्दा रहने इलाहाबाद के? देखिए बेस मुद्दा है गरीब, जो गरीब तबके के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो इस सरकार में अत्याचार हो रहा है, उस अन्याय अत्याचार के खिलाफ मायावती के समर्थन में ये जन सैलाब उमड़ा हुआ है। दलित या सर्व समाज? दलित और सर्व समाज। इस पार्टी में सर्व समाज के लिए ही ये पार्टी बनाई गई, बहुजन समाज पार्टी, इसीलिए इसका नाम रखा है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी समाज के लोग अपने पूरे तन मन धन की व्यवस्था से इस पार्टी में आए हुए हैं और बहन मायावती के पूरे समर्थन में लगे हुए हैं। प्रयागराज की 8 सीट जीत के आएंगी बहन जी, 8 सीट जी, ये पक्का है 8 सीट जीत के आएंगी। बहुजन समाज पार्टी दलित शोषित समाज सर्वजन समाज की पार्टी है। प्रदेश के अंदर बहन कुमारा मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है। बहन जी ने गरीबों के लिए फ्री में काशीराम आवास योजना दिया है। बहन जी के शासन काल में अनुशासन था, माफिया बदमाश गुंडे जेल के सलाखों में थे और बहुजन समाज पार्टी के लोग, बहुजन समाज के लोग बहन जी को पुनः 5वीं बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप बनाने जा रहे हैं। बहन जी जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद। मैं अशोक कुमार प्रयागराज सेक्टर अध्यक्ष। और गुंडे तो योगी जी ने भगाया ना? नहीं जी, बहन जी मायावती ने भगाया है। योगी जी ने गुंडे पाले भगाए नहीं, झाप पाले हैं, गुंडे पाले हैं, गुंडे आज भी टहल रहे हैं। भाजपा के गुंडे माफिया राज आज भी, कम्युनिस्ट सरकार बीजेपी की किस मुझे वोट मांग रही है। मैं चाहता हूँ जनता से अपील करूँगा कि बीजेपी को उखाड़ के फेंक दो। बहन जी जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद। सर बड़ी दीवान की है बहन जी को लेकर, लोगों में बड़ी दीवान की है बहन जी को लेकर। बहन जी ने ऐसा काम किया है कि उत्तर प्रदेश की जनता बहन जी को मुख्यमंत्री के अलावा भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है और बहुजन समाज पार्टी के अलावा सर्व समाज के लोग भी बहुजन समाज पार्टी के साथ में जुड़े हैं और बहन जी को पुनः 5वीं बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने का काम करने जा रहे हैं। पुनः 5वीं बार बनेंगे जी, बिल्कुल बनेगी। अखिलेश यादव कह रहे हम बनेंगे, कहने को तो सब कह रहे हैं। अखिलेश यादव हवा हवाई है, पूरा नीला हराएंगे, नीला
जी की करो तैयारी आ रही है बहन कुमारी मायावती। देखिए ये पंडाल के बाहर की भीड़ दिखा रहे हैं हम आपको, मंच जो पंडाल लगा उसके अंदर तो जगह नहीं है पैर रखने के लिए। देख सकते हैं कितनी भीड़ है बहन जी की रैली में। ये छोटा पड़ गया, देखिए बहन मायावती के कार्यक्रम में इनका पंडाल छोटा पड़ गया। सहे ये है कि हम लोग परेड ग्राउंड का पंडाल मांग रहे थे, लेकिन शासन प्रशासन की मंशा है, उनको दबाव महसूस हो रहा है, इसलिए हम लोगों को छोटी जगह दी है। ग्राउंड तो ये भी बड़ा है काफी, परेड ग्राउंड से छोटा है ये, परेड ग्राउंड इससे बड़ा है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता इतने आए हुए हैं कि रोड तक जाम हो गई है, चारों तरफ रोड जाम हो गई। कई लोग कह रहे पूरा इलाहाबाद जाम हो गया। प्रशासन की तरफ से हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में रोका गया है, कई बसें अभी हमारी यहाँ तक पहुँची नहीं है, ये प्रशासन की साजिश की है। हमारे कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, बहन बहन जी आ जाइए, और मैं जनता से भी अपील करूंगा, अपने मतदाताओं से अपील करूंगा कि 27 फरवरी को विधानसभा के चुनाव में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है तो अपने अपने क्षेत्र के विधायकों को जिताना है। जय भीम, जय भारत। बाबा जी ये इतना जोश कहाँ से आता है कार्यकर्ताओं में? देखिए ये बुजुर्ग हैं, इनमें भी इतना जोश है, कहाँ से आता है इतना जोश? ये बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज पार्टी दलित पिछड़ों अल्पसंख्यक और सर्व समाज की पार्टी के लोग हैं। इसमें कोई भी एक आदमी किराए पर नहीं आया हुआ है, सब अपने पैसा लगा करके तन मन धन के साथ बहन कुमारी मायावती जी का स्वागत करने के लिए प्रयागराज में आए हुए हैं। और बहन जी मायावती के शासनकाल में गुंडे माफिया जेल के अंदर हुआ करते थे, लेकिन योगी जी के सरकार में गुंडे माफिया खुलेआम खुल रहे हैं, चाहे वो चाहे वो कानपुर का कांड आप देख लिए, विकास दुबे का यूपी में आते ही उसको कार पलट करके उसको मार डाला गया, ये अनुशासन इनका है। देखिए पंडाल इतना छोटा रह गया, महिलाएं भी अंदर नहीं पहुंच पाई हैं। जी माँ जी भीड़ बहुत ज्यादा आ गई है ना? भीड़ ज्यादा आ गई। किसको दोगे वोट? मायावती का। मायावती को क्यों दोगे? मायावती को जीते खाती। जी आप बताइए। मायावती देंगे जीते खाती। अच्छा और क्या? और योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? योगी जी हमसे नहीं मतलब। अच्छा बहन जी को वोट देंगे? देखिए बहन जी की दीवानगी है ये, जो लोग बिना बुलाए बिना पैसे के बिना रोटी खाने अपनी रोटी बांध कर लाते, हमने कई महिलाओं को देखा यहाँ पर, और लोगों में इतना जोश है, इतना कार्यकर्ताओं में इतना जोश है, यहाँ पर इतनी भीड़ है आप देख सकते हैं, ग्राउंड काफ़ी बड़ा है, ऐसा नहीं है कि छोटा है, लेकिन भीड़ ज़्यादा आ गई है आप देख सकते हैं इस ग्राउंड में, बहन जी को देखने के लिए देख सकते हैं कितनी भीड़ है। जी हाँ भीड़ ज़्यादा आ गई क्या? बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ग्राउंड छोटा पड़ गया, ग्राउंड बहुत छोटा है। हाँ इधर आइए। हाँ ग्राउंड बहुत छोटा है। वोट भी दोगे नहीं? यस वोट दोगे? मैं वोट परंपरागत वोट उनका हूँ। मैं परंपरागत वोट उनका हूँ। अच्छा पक्के वोटर हो? पक्के वोटर हूँ। बीजेपी को नहीं दोगे? नहीं बीजेपी कभी जीवन नहीं दूंगा, जीवन कभी नहीं दूंगा अपने। ओ जो गुंडे भगा रहे हैं, गुंडा साला जाएगा जाएगा इस देश से जाएगा। बीजेपी को वोट नहीं दोगे? नहीं देंगे भाई, मायावती तोड़ देंगे हम लोग। मायावती अब मीडिया तो मना कर, गैस महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा, सब तेल ये क्या सब महंगा जो है, मोदी हो गया, राशन दे रहे 5 किलो राशन, राशन भी महंगा है, सब चीज खवाल इन जानवर से। अच्छा और क्या? ये जो हमारा पशु है? हाँ जो पशु सही नहीं, हम लोग मायावती को पूरा जिताएंगे, मायावती बहन को, मायावती बहन को। हाँ मन मना लिया, मन ढंग से ठान लिया, पूरा ठान लिया, बहन जी को बनाना है, देना हो बहन जी को। ये भीड़ कहाँ से आई है इतनी भीड़? ये कौशाम्बी का है, कौशाम्बी की भीड़, कौशाम्बी इलाहाबाद। अपने मर्जी से आ गए सारे लोग? अपने मर्जी से सब सारे लोग आए, ना कोई लाया है? नहीं कोई नहीं लाया है, अपने पैसा लगा कर लोग आए हैं, पैसा लगा कर। देखिए पंडाल में जगह नहीं है, इतनी भीड़ आ गई है, पंडाल से बाहर की भीड़ दिखा रही है। कई लोग कह रहे की इलाहाबाद की सड़कों पर भी लोग हैं, प्रशासन ने कई बसें रोक भी दी है, देख सकते हैं बहन जी को सुनने के लिए लोग आए जी, बहुत बसें रुकी हैं। तो माहौल पूरा बदल गया है? माहौल पूरा बदला है, 100% बीएसपी जीत रही है पूरा। बीएसपी मीडिया क्यों मना करता है? मीडिया वाले चूतिया है साले, सब चूतिया है। ये योगी मोदी जाने वाले हैं, बहन जी आने वाली है, बहन जी आने वाली, बहन जी आने वाली, और कोई नहीं आने वाला है।
की सरकार बनेगी, जब बीएसपी का कार्यकर्ता है उनमें जोश है, बहन जी की सरकार आने वाली है, पूर्ण बहुमत से आने वाली है, बहन जी की सरकार बनेगी, बहन जी बहन जी की पूर्ण बहुमत सरकार बननी है। मोर हाथी पे लगाओ, हाथी पे लगाएंगे, बहन जी आने देखिए पंडाल में महिला अंदर बाबा जूता मार भगाया है, वीडियो लगा मोदी खरीदे पैसा दे के, हां इसीलिए तू काम कर रहा है भाई, मतलब मीडिया नहीं दिखाते हैं, आप लोग खबरें नहीं दिखाते, और दिखाते हैं खबर हम लोग, कोई नहीं दिखा, कोई देखो मोदी जी की मीडिया में आता है और हमारे बहन जी की कोई सुनाई नहीं।